हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन पे से आप ट्रेन टिकट कैसे बुक करेंगे, फ़ोन पे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट किस तरह से आपको बुक करना है। इस वीडियो में आपको सारा डिटेल प्रोसेस आपको बताने वाला है किस तरह से आपको बुक करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको बुक करना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन वगैरह सारा कुछ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है, जैसे कि पटना जंक्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गया जंक्शन है तो मैं इसको JHQ कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर JHQ यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर गढ़वा में, यहाँ पर पटना जंक्शन टू गढ़वा यहाँ पे मैं कर दिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है किस डेट में आपको जाना है। तो डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं 16 अगस्त को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक टिक्स बॉक्स में आपको यहाँ पे अगर कैंसिलेशन फ्री आप लेना चाहते हैं, फ्री में कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको फुल रिफंड आपको मिलेगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कैंसिल करने का। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन, यहाँ पे जो भी आपका ट्रेन रहेगा यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन का नाम PNV सिंगरौली एक्सप्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना टाइम में आपका ट्रेन है, कितना बजे पहुँचेगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ट्रेन आएगा, उसके बाद स्लीपर में बुक करना चाहते हैं, यहाँ पे 3AC 2AC दिया हुआ है। तो अगर आप स्लीपर में करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक टू रिफ्रेश पे क्लिक करना है। AC में करना चाहते हैं तो AC वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं स्लीपर में करना चाहता हूँ तो स्लीपर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो भी यहाँ पर जनरल यहाँ पर कोटा है, जो जनरल ही रखना है आपको। अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ कोटा में रखना है। कोई लेडीज़ अगर बुक कर रहे हैं तो लेडीज़ कोटा में करना है। अगर आपको जेंट्स हैं तो जनरल में करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं टिकट यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है, जो भी आपको यहाँ पे डेट बाई डेट आपको देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट किया है 16 अगस्त। यहाँ पे देख सकते हैं बुक टिकट यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, सीट अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है 149 सीट अवेलेबल, यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे बुक करने का आपको लगेगा। तो यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC का यूजर ID आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं IRCTC का यूजर ID इंटर कर लेते हैं। अगर आपने IRCTC का यूजर ID नहीं बनाया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आपको देख लेना है वीडियो, और यूजर ID बना लेना है, IRCTC अकाउंट बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूजर ID यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। यूजर ID इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यूजर ID इंटर हो चुका है। आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल यहाँ पे डालना है, मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है, नाम डालना है, एज डालना है, बेड परफॉर्मेंस यहाँ पर डालना है किस तरह से आपको, यानी किस तरह का आपको सीट चाहिए, लोअर बेड, मिडिल लोअर, अप लोअर, साइड लोअर, साइड अपर, यहाँ पे देख सकते हैं उस हिसाब से दिया हुआ है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया आ जाएगा सारा कुछ, यहाँ पे आपका नंबर डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पे अपना एज डाल देना है। चलिए मैं अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज और नेम यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो पैसेंजर यहाँ पे एक सेव हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं। अगर आप और पैसेंजर ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे जैसे कि। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन नीचे देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको आई रिमेम्बर पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं 292 रुपये यहाँ पर टिकट का यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है, 292 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पेमेंट कंफर्म करने का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे ही आप एक प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे UPI इंटर करेंगे, आपका टिकट कंफर्म बुकिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको बुक करना है ट्रेन टिकट को फ़ोनपे एप्लीकेशन से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।